आज हम अपना अदब से सबक सयाना बादशाह की लनखानी और तफसील को समझेंगे। इसके मुसन्निफ डॉक्टर नवी बख्श खान बलोच हैं। इनका मुख्तसर तारुफ आपके सामने मिला जाए। डॉक्टर नवी बख्श बलोच 1917 में पैदा हुए और 2011 में उनकी वफात हुई। आप सिंध के गांव जाकर खान लगारी जिला सांगर में पैदा हुए। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए और कोलंबिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। आपका जो बेहतरीन कारनामा है वो ये है कि उर्दू सिंधी लुगत और सिंधी उर्दू लुगत आपने गुलाम मुस्तफा के साथ मिलकर तैयार की। इसके अलावा तहकीकती किताबें और मुजल्ले भी तैयार किए। आपने लोक कहानियाँ भी बहुत लिखी। लोक कहानियों से जुड़ा क्या होता है, जो आपकी सकाफ़त कहानी होती है, इलाकाई कहानी होती है, उस पर लोक कहानी कहा जाता है। ये कहानी सयाना बादशाह इसी लोक कहानियों में से एक कहानी है। सयाना बादशाह ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट थे उनको पढ़ाया भी है, ग्रंथ कहानी भी की है और समझाया भी है। आपको यहाँ पर मुख्तसर सा खुलासा जो है वो समझा दिया जाएगा। एक शख्स जिसके पास बेशुमार दौलत थी, उसके चार बेटे थे। उस शख्स को जब मरने का वक्त करीब था और वो सख्त बीमार भी था, तो उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद ऐसा ना हो कि मेरे लड़के आपस में जायदाद के लिए लड़ें, तो मैं अपनी ज़िंदगी में ही इनके बराबर हिस्से कर दूँ। उसने अपने नौकर से चार देवे मंगवाई और इन चारों देवों में अपनी मलकियत के हिस्से डालकर अपनी खाट यानी कि चारपाई के हर पाई के साथ नीचे उसको डाल दिया। जब उसका मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उसने कहा कि बेटा, धन दौलत ऐसी चीज़ है जिसपे हमेशा खून खराबा हो जाता है। रिश्ते जो भाई भाई होते हैं वो आपस में नहीं मिलते, बहन भाई में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो उसने अपने उसको बताया कि ये सारी मलकियत चारों पायों के नीचे दफन है। मेरे लिए तुम चारों ही आपके तारे हो, कोई किसी से कम नहीं है, लिहाजा मैंने अपनी मलकियत का कोई भी हिस्सा छोटा बड़ा नहीं किया है। इसलिए तुम में से हर एक मेरे रूबरू अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो और मेरे बनने के बाद इसके नीचे जो बड़ा हुआ वो सो कोट कर उसे निकाल लेना। लड़कों ने बाप की बात मंजूर कर ली और तीरंदाजी करके हर पाया अपना अपना मुकर्रर कर दिया। जब साहूकार मर गया तो चारों भाइयों ने खाट यानी कि चारपाई के पाए के तले जमीन खोदी और दौलत की देख निकाल दी। क्या देखते हैं कि एक देख में हीरे जवाहरात थे, दूसरी में सोना भरा हुआ था और तीसरी में कुछ भी नहीं यानी कि सिर्फ एक मुट्ठी मट्टी थी और चौथी में दो चार सूखी हड्डियाँ थी। लड़कों को जिनको हीरे जवाहरात और सोने मिले वो तो खुश हो गए और जिस लड़कों को मट्टी और हड्डियाँ मिली कि देने मिली वो थोड़ा नाराज हो गए और आपस में प्यारों भाइयों की तिलतिनेमे हो गई यानी कि थोड़ी तकरार हो गई। और उन्होंने जो जिन दो भाइयों को हड्डी और मट्टी मिली थी तो उन्होंने कहा हमें भी अपनी असली मलकियत से यानी कि हीरे जवाहरात और सोने से हिस्सा दो। इस पर दोनों भाइयों ने कहा कि बाबा अपने हाथों से मलकियत तकसीम करके गए हैं, अगर तुमने खुद को मलकियत कबूल की थी और अपनी खुशी से अपने पाए मुकर्रर किए थे। इनकी आपस में तकरार बढ़ने लगी, बात जो है वो फिर मजीद बढ़ी और मोतबर चार लोगों के दरमियान पहुँची। कोई भी इसका सही से फैसला नहीं कर पा रहा था कि कैसा राज है, इस राज को कोई दाना शख्स ही इंसाफ से उसको हल कर सकता है। लिहाजा सब भाई इस पर राजी हो गए कि किसी दाना यानी कि अकलमंद शख्स से ढूंढा जाए और उससे फैसला कराया जाए। जब वो चारों मुल्क के बादशाह के पास इंसाफ लेकर गए तो बादशाह ने इनकी बात बहुत गौर से सुनी और सोच में पड़ गया।
लेकिन इसने ये प्लेट की गुच्छी सुलझाते हुए बोला, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हीरे जवाहर वाला जो भाई है जिसको हीरे जवाहर मिले हैं वो हीरे जवाहर ले ले और सोने वाला सोना ले ले, और जिसको मट्टी की देन मिली है वो बाप की जमीनें संभालने, और जिसे हड्डियां हाथ आई हैं वो चौपाए यानी के माल मवेशी जो थे उन्हें उनका मालिक हो गया। बादशाह का ये फैसला सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और उसकी शुक्रगुजारी करने लगे। चारों भाई बादशाह की दानिश बंदी और दानाई की तारीफ करने लगे और दुआ देते हुए अपने अपने घर प्यार मोहब्बत से लौट आए। काम का आगाज हम इस तरह करेंगे कि आपका क्लास में भी मैंने बता दिया था, ऑनलाइन क्लास में, तो आपने इस सबक का सारे वर्क बनाना है और मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ लिखना है। मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ लिखने के बाद आपने जुमलों की तशरीहात करनी है। इसमें एक ही जुमला है जो है वो इसकी तशरीह करेंगे। इसमें जुमला आपके सामने दिया हुआ है कि इस मट्टी और हड्डियों का हम क्या करेंगे, हम अपनी असली मलकियत से जरूर हिस्सा लेंगे। मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ आपके पास शुरू में दर्ज है, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। तशरीह इसकी आपके सामने है कि मुसन्निफ ने सबक में इंसान की नफ्सियात के तर्जुमान किए हैं, यानी कि हर शख्स की नफ्सियात यही होती है कि जब उसकी बाप दादा की जायदाद होती है वो अगर बराबर मुनासिब इंसाफ से तकसीम ना की जाए तो दूसरे को इन सारी बातों से तकलीफ होती है। यही तनाजा जो है इस जुमले में थोड़ा सा बयान किया गया है कि जायदाद भाई भाइयों में भी तनाजे का सबब बनती है। जब मालिक के वक्त ने झगड़े का फैसला कर दिया तो वो बेटे जिनके हिस्से में मट्टी और रोटियां आई थी वो झगड़ते रहे। दूसरे भाइयों को फिर हीरे जवाहर मिले हैं, हमें हड्डियाँ, हमें भी असल दौलत से हिस्सा चाहिए। भाइयों की ये मोहब्बत आने दौलत के आते ही खत्म हो गई। सबक का मशी काम ये है कि सत्र नंबर 17 ओ सॉरी 70 में यानी कि 70 में सवाल नंबर मरकजी ख्याल भी आपके सामने दिया जा रहा है। इस मरकजी ख्याल को पढ़ के आप अपनी कॉपी में इसको देखिए। सबक का मरकजी ख्याल ये है कि चारों बेटों को साहूकार ने मरने से पहले बहुत इंसाफ से अपनी जायदाद तकसीम कर दी थी, लेकिन ये तकसीम बेटों की समझ में नहीं आई, इसलिए वो अपना मसला मुल्क के दानिशमंद बादशाह के पास ले गए और उन्हें तमाम मामला बयान किया और बादशाह ने बहुत अकलमंदी से इसका फैसला सुनाया। कवायद का काम आपने ये करना है कि मजमून लिखना है। साइंस रहमत भी है और जहमत भी। साइंस जो है, साइंस मतलब साइंस से मुराद साइंसी टेक्नोलॉजी, साइंसी इजादात, साइंस ने क्या तरक्की की है, साइंस की ये तमाम तरक्की और इजादात रहमत है या फिर जहमत यानी कि तकलीफ का बाइस है। इसके ऊपर आपने 3 से 4 पैराग्राफ में 200 अल्फाज के ऊपर मजमून लिखना है। मजमून लिखने का तरीका ये है कि पहले आपने जो आपके पास टॉपिक है उसके ऊपर आपने उसका तारुफ देना है यानी कि उसकी डेफिनेशन बयान करनी है। उसके बाद आपने साइंस रहमत है तो वो किस लिहाज से रहमत है वो बताना है, और उसके बाद जब अगर साइंस सहमत है तो किस लिहाज से सहमत है ये बताना है। नोट तमाम काम कुछ रख करके वक्त पर मुकम्मल करें। शुक्रिया।